Assalamu alaikum. London Living with Rizwan Rashid and your host Rizwan Rashid is here. Assalamu alaikum. London Living with Rizwan Rashid ke saath Rizwan Rashid aapki khidmat mein hazir hai aur aaj ka ye program khususi ahmiyat ka hamil hai kyunki community ke बेहद इसरार पे हम इस प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं। इन यहाँ पे हम वो सारे सवालात आपके सामने रखेंगे जो आपने हमसे पूछे हुए हैं, जो आप हमसे जानना चाहते हैं, जो आप हमारे लिए लेके आए, और बहुत सारे कम्युनिटी से सवाल हैं। और आज मेरे साथ शामिल होंगे हमारे भाई ब्रदर नासिर इकबाल साहब, जो के बैरिस्टर एंड सोलिसिटर हैं। वो पहले लंदन में एक कंपनी के साथ थे और इस वक्त अब टोरंटो में डैड लॉ के नाम से एक फर्म के साथ मुंसलिक हैं। स्पेशलाइज करते हैं फैमिली लॉ में, उसके साथ साथ उनकी जो महारत है वो इमिग्रेशन लॉ के साथ भी है, लेकिन ही स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द फैमिली लॉ, और उसके उस सिलसिले में उनकी बहुत काबिल कदर खिदमत हैं और उनकी मालूमात हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसे सवालात जो कम्युनिटी की जानिब से आए, जो आपने नासिर भाई के साथ किए, मुझे भी भेजे, आज वो सवालात हम आपके सामने रखेंगे, नासिर भाई के सामने रखे, उनसे जवाब लेंगे। और उस दौरान हमारा ये जो लाइव जा रहा होगा, हम हमारी कोशिश होगी कि जो सवाल आप फेसबुक लाइव पे हमें भेजेंगे, हम वो सवाल भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे। ये प्रोग्राम बाद में लाइव कैनेडा वन टीवी पे भी नशर होगा, जो कि आपको मालूम है लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद के नाम से ये प्रोग्राम कैनेडा वन टीवी में हर मंडे को शाम के 7 बजे होता है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय ब्रदर नासिर इकबाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द। वालेकुम सलाम रिजवान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। और आपका बहुत शुक्रिया, आप कम्युनिटी की अवेयरनेस के लिए बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम लेके आते रहते हैं, और मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ इस लिहाज से, क्योंकि आप कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी। आज जो आपने टॉपिक चूज किया वो बड़ा अच्छा है फैमिली लॉ के हवाले से, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बाद में आता हूँ। आपने जैसे बताया कि मैं पहले यहाँ लंदन में, मैंने 1 साल से तकरीबन ज्यादा अरसा मिलर्स लॉ ऑफिस में सर्व किया, और अपनी स्पेशलिटी जो है वो फैमिली लॉ एंड टू सम एक्सटेंट इमिग्रेशन लॉ में डेवलप की। तो चूंकि मैं अभी अपने आप को फैमिली लॉ में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था और इसमें मुझे ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही थी, तो मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी लॉ फर्म ज्वाइन करूं और GTA में जाऊं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है वहां पे। इसका ये हरगज मतलब नहीं है कि मैं लंदन से कोई कनेक्शन अपना खत्म करूं, डेफिनेटली अपने व्यूअर्स के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए ये कहूंगा कि जब भी उनको मेरी हेल्प की जरूरत होगी आई एम ऑलवेज देयर, और मैं कम्युनिटी के मुख्तलिफ जो फोरम है वहां पे भी लंदन में पार्टिसिपेट करा। तो फिर मैंने क्योंकि स्पेशलाइज करना चाह रहा था, तो इसलिए ये एक मुझे इनका मोर देन 30 ईयर्स एक्सपीरियंस है, ये बहुत बड़ी एक मिसागा की लॉ फर्म है डैड लॉ के नाम से, तो उसको मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है मिसागा में। तो अब जो आपने आज का बेसिकली फैमिली लॉ के हवाले से ही रखा है, तो जो भी उसमें कम्युनिटी के क्वेश्चंस होंगे मेरी कोशिश होगी, भरपूर कोशिश होगी कि मैं उनको जवाब दे सकूं। जबरदस्त जबरदस्त। तो नासिर भाई, यू नो फैमिली लॉ के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, क्या इस की बाउंड्रीज में आता है, क्योंकि हम समझते हैं स्पेशली फ्रॉम आवर कम्युनिटी कि भाई हमारा फैमिली लॉ से क्या ताल्लुक, हम तो अच्छे भले हम वो इकदार के हवाले से, हमारा माशरा, हमारे जो इकदार हैं, वैल्यूज हैं, वो डिफरेंट हैं। लेकिन बाहर सूरत हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ पे, तो हमें समझना चाहिए। तो इस हवाले से आप फैमिली लॉ की बाउंड्रीज, जो फैमिली लॉ में क्या चीजें आ सकती हैं, उसकी कुछ हमें मालूमात दे सकें इन जनरल बिफोर वी आस्क एनी क्वेश्चंस। हमारे अगर आप इसको, क्योंकि जाहिर है हम सब लोग पाकिस्तान या इंडियन कम्युनिटी से, साउथ एशियन से हैं, वहां पे इस हद तक फैमिली लॉ डेवलप नहीं हुआ। उसकी जो मेजर रीजन मैं समझता हूँ कि हमारा एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, जिसकी वजह से फैमिली लॉ के इतने इश्यूज नहीं होते, डोमेस्टिक इश्यूज जो स्पाउसेस हैं उनके दरमियान नहीं होते, क्योंकि एक फैमिली की यूनिटी है और फैमिलीज अपना रोल अदा करते हैं।
यहाँ नॉर्थ अमेरिका में ये चीज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फैमिली लॉस के बहुत ज्यादा इश्यूज है. मतलब अगर आप ये कहें कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा जो इस टाइम बन चुका है एरिया ऑफ लॉ, वो फैमिली लॉ को कहना हरगिज जो गलत नहीं होगा. तो इसमें जो लास्ट सर्वे आया था उसमें जो रेशो वो बड़ी ही थ्रेटनिंग थी कि मोर देन 50% जो है वो डिवोर्स रेट या सेपरेशन है. तो इसमें यहाँ पे हमारे बेसिकली कल्चर में तो खैर ये चीज कॉमन लॉ रिलेशनशिप का बहुत रेयर है, वहां पे तो मैरिड रिलेशनशिप ही हमारी कम्युनिटी में होता है. यहाँ पे बेसिकली जो कल्चर या आप बल्कि उसको एक लीगल शेप मिल गई है, दो तरह की रिलेशनशिप है, एक मैरिड रिलेशनशिप होता है, कॉमन लॉ रिलेशनशिप होता है. मैरिड तो जाहिर है आप एक वो सर्मनी है उसमें दो स्पाउसेस जो है वो आपस में शादी का एक बंधन बांध दे. जो कॉमन लॉ रिलेशनशिप है वो सिंपली आप ये कह लें कि दो स्पाउसेस मिनिमम उसमें थ्रेशहोल्ड जो है वो 3 years का उनका रिलेशनशिप होना चाहिए, या उनका जो एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें कोई बच्चा भी जो है वो पैदा हुआ है. तो ये बेसिकली एक ओवरऑल. अब इसमें जो इश्यूज आते हैं जब भी स्पाउसेस के दौरान अनफॉर्चुनेटली कोई मामलात गड़बड़ होते हैं तो उसमें हर इश्यू आ जाता है. अगर उनके बच्चे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कस्टडी एक्सेस और उसके बाद वो सपोर्ट के इश्यूज आ जाते हैं. सबसे उसके बाद जो बच्चों के बाद सबसे बड़ा इश्यू है वो प्रॉपर्टीज का है, जिसका हमारी पाकिस्तान में इंडिया में इसका बिल्कुल तस्वीर नहीं किया जाता. यहाँ पे वो सबसे दूसरा बड़ा इश्यू जो आ जाता है वो प्रॉपर्टीज की इक्वलाइजेशन और डिवीजन का आता है. तो कहने का मकसद ये है कि ये बेसिकली एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, जिस तरह के बिजनेस में, मैं इस तरह की मिसाल तो नहीं देना चाह रहा लेकिन जैसे बिजनेस के अंदर जब बिजनेस में आपस में पार्टनरशिप खत्म होती है तो उसकी डिवीजन ऑफ एसेट्स आती है, इसी तरह ये भी एक पार्टनरशिप है बिटवीन टू स्पाउसेस और वो जब खत्म होती है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस यही होते हैं कि हर चीज की डिवीजन होती है. सही सही. नासिर भाई आपने उसका जबरदस्त आपने पूरा बताया और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका जो साउथ एशियन कम्युनिटी में वो ये सवाल आता है कि जो फॉरेन डिवोर्स है वो एनफोर्सेबल है कनाडा में और है तो कैसे है. ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया और मुझे बहुत ज्यादा कम्युनिटी से ये सवाल पूछा गया है, ये ओवरऑल साउथ एशियन कम्युनिटी से और मेरे काफी क्लाइंट भी हैं साउथ एशियन कम्युनिटी से जिनको ये एनकाउंटर करना पड़ा है इश्यू. जहां तक तो डिवोर्स का ताल्लुक है, देखिए उसकी कंडीशन डिवोर्स की क्या है एज पर कैनेडियन लॉ डिवोर्स एक्ट के तहत कि दोनों स्पाउसेस जो हैं दे शुड लिव सेपरेट एंड अपार्ट फॉर 1 year. और डिवोर्स अगर जो है वो अप्लाई either spouse can apply for the divorce. और वो उस jurisdiction में 1 साल रहा हो, अगर तो ये formalities आपने पूरी की है और किसी भी jurisdiction में आपने, let's say एक spouse पाकिस्तान में है एक Canada में रह रहा है, अगर वो divorce apply करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में spouse है तो वो बिल्कुल कर सकता है अगर वहां वो 1 साल रहा है और उसने यानी कंडीशन मीट की है और वो यहाँ पे उसकी रिकग्निशन है. ऐसी बात नहीं है क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते थे कि हमें तो ये पता चला है कि अगर डिवोर्स पाकिस्तान में हुई तो उसकी रिकग्निशन नहीं. ऐसी बात नहीं है, कैनेडियन लॉ उसको एक्सेप्ट करता है. हाँ उसके साथ बेसिकली डिवोर्स एक्ट के तहत 3 तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक होती है डिवोर्स, दूसरी क्रुएलिटी रिलीफ और तीसरी होती है वेरिएशन. मैं क्रुएलिटी रिलीफ को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. ये बेसिकली इसको आप कह लें कि एंसिलरी इश्यूज जैसे कस्टडी है, एक्सेस है, चाइल्ड सपोर्ट है, स्पाउसल सपोर्ट है, ये इश्यूज जो हैं. कैनेडियन लॉ ये कहता है कि डिवोर्स को तो ये बिल्कुल रिकग्नाइज करते हैं लेकिन कैनेडियन कोर्ट, अगर आप फॉर एग्जांपल डिवोर्स वहां से लेके आए हैं और आप यहां से आके क्रुएलिटी रिलीफ सीख करते हैं यहां की कोर्ट से तो आपकी यहां की कोर्ट मदद नहीं कर सकती. लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपका कोई इक्वलाइजेशन का इश्यू है, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी का इश्यू है उस सिलसिले में और डिवोर्स आपकी पाकिस्तान या इंडिया में हुई है
तो यहाँ पे और प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद है, तो उस सिलसिले में यहाँ की कोर्ट आपको बिल्कुल हेल्प कर सकती है। ठीक 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 अच्छा, तो ये तो एक बड़ा तलख हो गया, क्योंकि डिवोर्स बाहर होती है तो यहाँ पे लेके आए, तो आपने बड़ा उसमें डिटेल ऑप्शंस के बारे में बात की। और अब यहाँ से जो सेकंड या रेलेवेंट क्वेश्चन ये बनता है वो चिल्ड्रन की कस्टडी के बारे में, सेपरेशन या डिवोर्स के हवाले से। तो ये कस्टडी किसके हक में जाती है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट राय है। नासिर भाई, ये आप इसके बारे में क्या कहते हैं? रिजवान भाई, इस एस्पेक्ट में एस्पेक्ट को मैं ज़्यादा थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा। उसकी रीज़न ये है कि ये मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि जब भी सेपरेशन होती है तो ये सबसे बड़ा इशू यहाँ पे फैमिली लॉ में गिना जाता है, और दूसरा सेकंड इशू जैसे मैंने बताया डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी। तो कस्टडी एंड एक्सेस को पहले समझना जरूरी है। ठीक, जो कस्टडी है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के बारे में आती है कि कौन जो है बच्चों के बारे में वो डिसीजन लेगा। अब यहाँ पे ये डिवोर्स एक्ट के तहत ये है कि बच्चा डिपेंडेंट होता है, चाहे वो बालक हो जाए, लेकिन वो अगर स्कूल में है तो वो स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड डिपेंडेंट। अगर वो यूनिवर्सिटी में है या अगर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन वो ले रहा है तो ही और शी विल बी कंसिडर्ड डिपेंडेंट चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द फैमिली लॉ। अब डिसीजन मेकिंग में जो मेजर डिसीजंस आ जाते हैं आपकी हेल्थ के बच्चों के बारे में, आपकी एजुकेशन बच्चों के बारे में, और उसमें उनके मुख्तलिफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में, रिलीजन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, ये बेसिकली मेजर डिसीजन मेकिंग है। तो इसलिए इसको कहते हैं कस्टडी। अगर ज्वाइंट कस्टडी, अगर आपने कभी सुना हो कि जी ज्वाइंट कस्टडी का कॉन्सेप्ट, तो ज्वाइंट कस्टडी का कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों जो स्पाउसेस हैं, दोनों पेरेंट जो हैं, मैं इसको पेरेंट के यहाँ पे शेप दूंगा कि दोनों पेरेंट जो हैं वो कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग करेंगे बच्चों के बारे में, और वो यही एरियाज हैं हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन, लैंग्वेज और उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है। दूसरा आ जाता है एस्पेक्ट एक्सेस। एक्सेस को हम बेसिकली कहते हैं कि पेरेंटिंग टाइम जो है, कि बच्चा कितना टाइम या बच्चे जो हैं वो कितना टाइम ईच पेरेंट के साथ गुजारेंगे। ठीक, अब यहाँ के जो लॉ है उसके तहत मुख्तलिफ उसकी शेप है। एक उसमें शेयर्ड कस्टडी आ जाता है। एक तो प्राइमरी रेजिडेंस है ना, कि जो फर्स्ट आता है वो प्राइमरी रेजिडेंस है, कि एक पेरेंट जो है वालदा, मोस्टली केसेस में देखा गया कि वालदा जो है उसके साथ बच्चे रहते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी रेजिडेंस। और वीकेंड के ऊपर या ऑल्टरनेट वीकेंड के ऊपर वो दूसरे पेरेंट के साथ बच्चे रहते हैं। दूसरी आ जाती है शेयर्ड कस्टडी, जिसमें मोर देन 40% ऑफ टाइम जो है वो ईच पेरेंट के साथ बच्चा जो है वो रहता है। और तीसरी आ जाती है स्प्लिट कस्टडी, अगर बच्चे ज्यादा हैं, तीन हैं या चार हैं, तो उनमें से एक या दो बच्चे एक पेरेंट के साथ रह रहे हैं और बाकी जो दो हैं वो दूसरे पेरेंट के साथ है, तो इसको स्प्लिट कस्टडी कहते हैं। और इन्हीं इन्हीं पेरेंटिंग अरेंजमेंट की बेसिस पे जो चाइल्ड सपोर्ट है वो डिटरमिन होती है। अब वो कैसे होगी, अगर प्राइमरी रेजिडेंस है तो उसकी बेसिस पे जो जिसके पास कस्टडी ज्यादा टाइम बच्चे गुजारे हैं, मोर देन 60% ऑफ टाइम, वो पेरेंट जो है वो रिसीव करेगा दूसरे पेरेंट से, और उसको बोलते हैं टेबल चाइल्ड सपोर्ट। वो यानी फुल चाइल्ड सपोर्ट, आप सिंपल वर्ड्स में ले लें कि वो फुल चाइल्ड सपोर्ट उसको मिलेगी। अगर दूसरे अगर वो मोर देन 40% ऑफ द टाइम इन अ मंथ वो बच्चे दोनों के साथ रह रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ अमाउंट, कि दोनों जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम ली जाएगी। उसमें सिंपल ये समझ लें कि जिसकी हायर इनकम होगी वो दूसरे लोअर इनकम वाले को डिफरेंस पे करेगा, फुल अमाउंट दोनों की ली जाएगी, और जो उसमें माइनस किया जाएगा जो हायर वाला होगा वो लोअर वाले को सेट ऑफ अमाउंट जो है पे करेगा। अब इसमें रिसेंटली मैं रिसेंटली इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक वो इन्फोर्स नहीं हुई, ये 1 मार्च से, और अच्छा हुआ कि आपने भी ये प्रोग्राम किया, तो उसमें 1 मार्च से उसको इन्फोर्स करें। लॉ तो ऑलरेडी पास हो चुका है। ये कस्टडी और एक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़े से मुआशरे में इसको हार्श समझा जाता है। कस्टडी का वर्ड एक ऐसा है कि ये थोड़ा सा ऑफेंसिव लिया जा रहा है, तो इसको अब उन्होंने थोड़ी सी इसकी वर्डिंग चेंज कर रहे हैं।
जैसे कस्टडी को उन्होंने कर दिया है जी के डिसीजन मेकिंग अरेंजमेंट, और एक्सेस को उन्होंने बदल दिया है पेरेंटिंग टाइम में। चीजें मोरलेस वही रहेंगी, कस्टडी जो है वो डिसीजन मेकिंग ही है बेसिकली, और एक्सेस जो है वो पेरेंटिंग टाइम में आ जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं अगेन वो टाइमिंग के हवाले से कि किसके पास जाएगी, पहले जो लॉ था वो ये कहता था जी कि दोनों पेरेंट्स जो हैं मैक्सिमम, उसे बोलते हैं मैक्सिमम कॉन्टेक्ट प्रिंसिपल, कि दोनों के साथ दोनों पेरेंट्स के साथ बच्चे ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारेंगे, और साथ उसमें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड वो तो डेफिनेटली एक प्राइमरी रहता ही था, लेकिन उसमें ये जरूर था कि अगर कोई प्रॉब्लम्स भी हैं तो मैक्सिमम कॉन्टेक्ट प्रिंसिपल को ज्यादा रिकग्निशन दी जाती। अब जो अमेंडमेंट आई है इसके बाद से ये होगा कि अगर तो कोर्ट के सामने कोई केस जाता है स्पाउसेस के दरमियान, तो उसमें जज जो है वो सिर्फ एक फैक्टर देखेगा और वो है डिसीजन सॉरी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब उसमें एक लॉन्ग लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, वो तो हम सारा दिन भी लगा दें तो उसको नहीं हम डिस्कस कर सकते, लेकिन उसमें वो जज और उसमें जज की बहुत ज्यादा डिस्क्रेशन आ जाती कि क्या, और वो एक सब्जेक्टिव इश्यू बन जाता है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हर पर्टिकुलर केस में वो देखेगा जज के इस केस के अंदर बच्चे की क्या बेस्ट इंटरेस्ट है, तो उस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि ज्यादा एक तो डिसीजन मेकिंग जो है वो किसको जाएगी और दूसरा ज्यादा टाइम या इक्वल टाइम जो है वो गुजारा जाएगा। क्योंकि पहले यही समझा जाता था कि आइडियल सिचुएशन यही है कि दोनों पेरेंट्स के साथ बच्चे जो हैं वो इक्वल टाइम गुजारे, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगी वक्त के साथ साथ। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया कि जो कस्टडी और एक्सेस का किस तरह है और फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो चाइल्ड सपोर्ट पे कैसे जाता है। सही, चाइल्ड सपोर्ट के हवाले से कुछ ऐसे सवाल हैं कि वो उसकी अमाउंट पे क्या कैसे डिटरमिन होती है, क्या ये बच्चे की एज पे है या वालद या वालदा की इनकम कैपेसिटी पे होता है, तो उसकी या उसमें जो डिवोर्स फाइल होती है उसमें डेजिग्नेटेड होता है ये अमाउंट, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। अच्छा, इस पे दो तीन फैक्टर्स आ जाते हैं, बच्चे की एज का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट नहीं है कि बच्चे की एज 5 साल 6 साल होगी तो उसके बाद कम हो जाएगी, नहीं, ये अमाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा, उसकी डिटर्मिनेशन में फर्क आ सकता है। ठीक, सबसे ठीक. बड़ा जो फैक्टर हम इसमें लेते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो पहले तो उसकी सेपरेशन डेट जो है कि अच्छा. कब जो स्पाउसेस हैं वो सेपरेट हुई, कब पेरेंट्स ने कब डिसाइड किया कि दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, डेट इंपॉर्टेंट, वो थ्रेशोल्ड लिया जाएगा कि इस डेट को ये सेपरेट हुए, वहां से उसकी डिटरमिनेशन एक तो स्टार्ट होगी, ठीक, वो कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इनकम का जहां तक है, अब देखा जाएगा क्योंकि यहाँ के कल्चर में मियां बीवी दोनों काम करते हैं, तो उसमें देखा जाएगा जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया कि वो डिपेंड करता है पेरेंटिंग टाइम पे कि आया, अगर तो वो शेयर्ड कस्टडी है दोनों इक्वल टाइम कर रहे हैं या मोर देन 40% ऑफ टाइम ईच पेरेंट हैज विद किड्स, तो उस सूरत में वो सेट ऑफ अमाउंट होती है। लेट्स से कि एक जो फादर है उसकी इनकम 100K है और जो मदर है उसकी 50K है, तो उस पहले डिटरमिन की जाएगी फादर की 100K के मुताबिक और 50K के मुताबिक मदर की जाएगी। अब इसमें एक सिंपल सा है क्योंकि 100K एक हायर अमाउंट है, तो वो जितना डिफरेंस आएगा, लेट से 100K के मुताबिक बच्चों की चाइल्ड सपोर्ट बनती है 2000 और 50K के मुताबिक बनती है 1000, तो जो डिफरेंस है 1000 वो फादर मदर को पे करेगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला। अच्छा, अगर मदर की इनकम ही नहीं है या मदर जो है उसके पास जो है वो प्राइमरी रेजिडेंस है बच्चों की, दे आर लिविंग मोर देन 60% ऑफ टाइम विद मदर, तो उस सूरत में और फादर इन मैं मदर इसलिए कह रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में प्राइमरी रेजिडेंस जो है मदर के पास देखी गई है, तो उसमें जिसके साथ प्राइमरी रेजिडेंस है उसको फुल चाइल्ड सपोर्ट जाएगी, उस सूरत में ये सेट ऑफ अमाउंट नहीं होगी, जैसे मैंने आपको मिसाल दी 100K और 50K, उसमें मदर की देखी नहीं जाएगी इनकम, उसमें 100K जो है वो जो हायर सॉरी जो हम लेस देन 40% ऑफ टाइम बच्चे रहते हैं वो पेरेंट जो है दूसरे पेरेंट को फुल चाइल्ड सपोर्ट पे करेगा। अब इसमें एक और चाइल्ड सपोर्ट के साथ साथ एक आ जाता है सेक्शन 7 एक्सपेंसेस, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज,
फॉर एग्जाम्पल बच्चे जो हैं वो मतलब वो फुटबॉल क्लब उन्होंने ज्वाइन हॉकी का किया हुआ है तो उसकी जो फीसेस हैं, या जैसे ब्रेसेस वगैरह लगवाने हैं अगर कोई डेंटल इश्यूज हैं, ठीक है वो कवर तो करेंगे लेकिन ब्रेसेस वगैरह सारे कवर नहीं होते आपके बेनिफिट्स में से, तो वो जो है वो फिर प्रोपोर्शनेट टू इनकम आते हैं। उसमें ये नहीं मदर कह सकते जी कि मेरी तो इनकम नहीं है या मेरे पास ही बच्चे रह रहे हैं, उसमें फिर दोनों की इनकम देखी जाएगी और जो प्रोपोर्शनेट शेयर है जितनी इनकम होगी उसके मुताबिक प्रोपोर्शनेट शेयर दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उन एक्सपेंसेस के लिए। ठीक। ये बेसिकली इसमें, और यहाँ पे इसको बड़ा हार्शली ट्रीट किया जाता है। हार्शली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जजेस को दे डोंट केयर कि बाकी मामलात में क्या हो रहा है, वो जो केयर सबसे ज्यादा करते हैं वो करते हैं चाइल्ड सपोर्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बच्चों का हक है ये पेरेंट्स का हक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इस तरह की नहीं है जो कि होने चाहिए लॉस, लेकिन यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा इन्फोर्समेंट है और इतनी ज्यादा इन्फोर्समेंट है कि कुछ लोग यहाँ से इवन सॉरी ये हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, भाग के वापस भी जाने की कोशिश करते हैं, तो ये उनका वहां तक फॉलो करता है। अच्छा। ये मतलब इतने स्ट्रिक्ट है लॉस। सही। तो अब नासिर भाई, ये आपने प्राइमरी रेजिडेंस के बारे में आपने दो तीन दफा इसका जिक्र किया, तो अब लामहाला तौर पे प्रॉपर्टी की बात आती है, तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अब ये प्रॉपर्टी डिवोर्स सेपरेशन के बाद स्पाउसेस के दौरान, हस्बैंड वाइफ के दौरान दरमियान कैसे डिवाइड होती है या इसका क्या तरीकाकार है? अच्छा, इसमें मैं एक आपको जरा देसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सिंपल वे में लोगों की समझ में आ सके। आप ये समझें कि ये एक ब्लॉक है, आपकी शादी जिस दिन हुई वहां से लेके और जो सेपरेशन तक एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया वो इक्वल जाएगा। ये बड़ा खूबसूरत इस लिहाज से लॉ है मैरिड स्पाउसेस का, ये मैं कॉमन लॉ की नहीं बात कर रहा कि हमारी कम्युनिटी में ज्यादा यही है, इसलिए मैं कॉमन लॉ को बिल्कुल इतना ज्यादा टच नहीं कर रहा। जो मैरिड स्पाउसेस हैं उनके दरमियान ये इसकी मोर और लेस इक्वल डिवीजन जाती है, जितने उस दौरान एसेट्स इकट्ठे हुए हैं और उसमें से लाइबिलिटीज जो हैं उनको जो है वो सब्सट्रैक्ट किया जाएगा और जितना वो इक्वलाइजेशन दोनों की जाएगी कि दोनों के पास कितने। अब इसमें एक जो प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी जो चीज आती है वो आती है मैट्रिमोनियल होम। मैट्रिमोनियल होम उसको कहा जाता है जहां पे स्पाउसेस खुद ही अपने बच्चों के साथ मेजॉरिटी ऑफ टाइम रह रहे हैं। अब कई कुछ लोग जो है उनके पास दो या तीन घर भी होते हैं, लेकिन उसमें देखा जाएगा कि वो मोस्टली किस जगह रह रहे हैं और उसको वो मैट्रिमोनियल होम कंसिडर किया जाता है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या एक एक स्पाउस के नाम है, एट द एंड ऑफ द डे बोथ स्पाउसेस विल बी गेटिंग द बेनिफिट इक्वली इन दैट हाउस। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी की जब डिवीजन के आते हैं इश्यूज तो उसमें कुछ चीजें उनको एक्सक्लूजन दी गई है, जैसे कि गिफ्टेड प्रॉपर्टी जो है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फिर अगेन आ जाता है कि मैट्रिमोनियल होम को इतनी ज्यादा सेक्रेड व्यू से देखा गया है यहाँ पे लॉ में कि अगर वो गिफ्ट जो है या इनहेरिटेंस जो है वो कंट्रीब्यूट आपने मैट्रिमोनियल होम में कर दी है तो वो आपका गया, वो एक्सक्लूजन नहीं होगी उसकी। इवन आप उसको ट्रेस कर सकते हैं कि जी ये मेरे मेरे फादर ने मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया था और ये हमने इसकी रेनोवेशन में या परचेज में मैट्रिमोनियल के लगाए थे। लॉ कहता है नहीं, वो मैट्रिमोनियल होम जो है इट्स नाउ पार्ट ऑफ इट, इट्स नाउ पार्ट ऑफ इट। लेकिन अगर उसके अलावा मैट्रिमोनियल के होम के अलावा अगर आपको आपके पेरेंट्स ने कोई गिफ्ट किया है इधर साइड किसी भी स्पाउस को तो वो एक्सक्लूडेड प्रॉपर्टी कंसिडर होगी, चाहे वो शादी से पहले है या चाहे वो शादी के बाद है। इसी तरह इनहेरिटेंस का भी आता है कि अच्छा, इसमें एक मैं चीज वाजे करता चलूं कि जो मियां बीवी आपस में गिफ्ट करते हैं, अच्छा जैसे मोस्टली ओकेजन पे एक दूसरे को गिफ्ट करने का रिवाज होता है, वो जो है उस वो एक्सक्लूडेड प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर होती। ये थोड़ी सी इसमें मैं बारीकी बता दूं कि उसको जो है उसको दोनों की अलग-अलग से प्रॉपर्टीज कंसिडर किया जाता है। ये एक बड़ा लंबा कह लें कि डिस्कशन है, चैप्टर है जिसमें कैसे वो इक्वलाइजेशन की जाती है। उसमें जाहिर है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो तैयार करते हैं दोनों की, फिर उसकी बेसिस पे नेट फैमिली प्रॉपर्टी स्टेटमेंट होती है और फिर उसमें देखते हैं कि
किसका पास कितने एसेट्स हैं, और जितने भी, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर लेट से जो वाइफ है उसके पास 100 के आखिर में नेट वैल्यू बचती है, तो उसका हाफ वो जो है वो देगी हस्बैंड को, और अगर हस्बैंड के 200 के एसेट्स हैं तो उसमें से 100 के जो है वो वाइफ को देगी देगा सही, तो ये इस तरह इसकी डिवीजन जो होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा मैट्रिमोनियल होम है वो तो एक सिंपल है, स्टेड वे है, उसमें तो कोई होता ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑल्दो हमारे बहुत रेयर केसेस होते हैं कॉमन लॉ के, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें करता जाऊं, मैट्रिमोनियल होम का कॉन्सेप्ट कॉमन लॉ रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं है। बाकी सारे चीजें जो हैं वो रिकग्नाइज हो रही हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी या मैट्रिमोनियल होम का कॉन्सेप्ट कॉमन लॉ रिलेशनशिप में नहीं कंसिडर किया जाता। एक थोड़ी सी मैं और आपका टाइम लूंगा, एक टर्म अगर आपने कभी सुनी हो, एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ मैट्रिमोनियल होम, जब आपस में, ये जी मैं इसी जाने वाला था, क्योंकि आपने सेक्रेट मैट्रिमोनियल होम के बारे में कहा, तो अब ये लामहाला तौर पे जैसे आपने साथ ही पहले भी कहा कि टिपिकली मॉम्स के पास वो कस्टडी होती है 60% और 60% वो प्राइमरी रेजिडेंस में हो जाता है, तो क्या मैट्रिमोनियल होम में कोई भी एक स्पाउस वो उसकी एक्सक्लूसिव पोजेशन को क्लेम कर सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है उसमें, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं और एज अ लॉयर इट्स वेरी हार्ड टू डिफेंड दैट। अच्छा, कि एक्सक्लूसिव पोजेशन के लिए कुछ फैक्टर्स कोर्ट देखती है। फैमिली लॉ के अंदर मैंने देखा, और वैसे भी कॉमन लॉ हमारा यहाँ पे ज्यूरिस्डिक्शन है कनाडा जो है, पाकिस्तान भी इसी तरह है, जिसमें जजेस को बहुत ज्यादा डिस्क्रेशन होती है डिसीजन मेकिंग में, तो उसमें वो डिफरेंट फैक्टर्स देखते हैं कि एक्सक्लूसिव पोजेशन क्यों दिया जाए अगर, और उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर देखा जाता है वो एक तो ज़ाहिर है बच्चे जो हैं किसके साथ रह रहे हैं, और दूसरा फैक्टर देखा जाता है कि अगर कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप है और वन ऑफ द पेरेंट जो है ही हैज बीन चार्ज विद द क्रिमिनल ऑफेंस, फिर ये चीज देखी जाती है। क्रिमिनल अगर चार्ज हुआ तो वो तो लामहाला जो है वो उसमें कदगन लग जाती है ना, डोमेस्टिक असॉल्ट के अंदर, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जब भी कोई होगा तो उसमें तो वैसे ही वो जो उसकी रिलीज कंडीशन है कोर्ट से उसके अंदर कह दिया जाता है कि आप वहां जा ही नहीं सकते, नहीं सकते, तो वो तो लामहाला हो जाता है। लेकिन अगर कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप है जिसमें प्रॉब्लम्स हुए हैं तो वो कोर्ट देखेगी डिटर्मिन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक लोग चाहते तो हैं कि एक्सक्लूसिव पोजेशन, पहली तो बात ये है कि ये कोई अनलिमिटेड टाइम के लिए तो हो नहीं सकता, वो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी है, जब डिवीजन ऑफ एसेट होना है तो उसने सेल होना ही होना है। अब उसके मुख्तलिफ तरीके जरूर हो सकते हैं कि वो एक जो स्पाउस ये भी कह सकता है जी कि मुझे इसका आई वांट टू बाय हिम और हर आउट, उसका ये होता है कि जितना उसका हिस्सा है मैं उसको पे करता हूँ और घर में अपने नाम करवा लेता हूँ, ये भी उसका एक, या उसको आप मार्केट में लगा देते हैं जितने का सेल होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है आफ्टर पेमेंट ऑफ डिस्पर्समेंट्स। लेकिन इसमें जो एक्सक्लूसिव पोजेशन के साथ एक थोड़ी सी जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर तो कोई कोर्ट ऑर्डर लिया हुआ है एक्सक्लूसिव पोजेशन का, अच्छा, तो उसमें जो दूसरा स्पाउस है वो ऑक्यूपेशन रेंट भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो कहता है जी कि ये एक स्पाउस रह रहा है, ठीक है वो बच्चों के साथ है लेकिन बच्चों के साथ चाइल्ड सपोर्ट भी तो जा रही है, तो वो फिर ये क्लेम कर सकता है कि जी जितनी देर ये स्पाउस रहा है उस दौरान का मुझे ऑक्यूपेशन रेंट दिया जाए, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। आपने गिफ्ट इनहेरिटेंस की बात की कि वो एक्सक्लूड हो सकते हैं प्रोवाइडेड के उसका डॉक्यूमेंटेशन हो कि वो यू नो शादी से पहले ये शादी के बाद है, अनलेस कि वो ऑलरेडी उसमें जम ना होगी उसके पैसे उसके प्रोसीड उसमें जो जो प्राइमरी रेजिडेंस उसमें शामिल ना कर दिए गए होंगे, तो आप टिपिकली जो है वो क्योंकि ये हमने देखा है वरासत में स्पेशली यू नो आफ्टर मैरिजेस में साउथ ईस्ट एशियन लोगों को यहाँ से मिलती हैं पीछे से मिलती हैं, तो नॉर्मली तो लोग क्या करते हैं वो बेच बाच कर क्योंकि दे हैव ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड हियर उन्होंने यहीं पे घर बसा लिए तो वो दे यूज दैट मनी इन ऑर्डर टू डू दिस, तो टिपिकली में क्या बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्या वो उसको सेपरेट रखें या कैसे रखें ताकि इस मसले में ना पड़े?
जहां तक जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर तो वो मैट्रिमोनियल होम के अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया गया तो फिर तो कोई आपके पास चारा ही नहीं है, चाहे वो गिफ्टेड था चाहे इनहेरिटेंस में से आया था। जी लेकिन अगर, और कई मेरे पास ऐसे केसेस अभी भी हैं, हमारी ईस्ट एशियन कम्युनिटी का एक केस है और बहुत अच्छा वो इस लिहाज से कि उसमें हर इशू इन्वॉल्व है, तो मेरे लिए एज अ लॉयर वो एक अच्छा केस है क्योंकि उसमें मैं हर एरियाज में मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो उसमें मैं एक देख रहा था इशू के गिफ्टेड बहुत ज्यादा इनहेरिटेंस के इश्यूज थे, लेकिन अगर तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं अदर देन मैट्रिमोनियल होम, क्योंकि मैट्रिमोनियल होम तो स्ट्रेट अवे वो तो कहते हैं जी कि जो आ गया वो उसी का हिस्सा बन गया। लेकिन अगर किसी और प्रॉपर्टी में आपने वो कंट्रीब्यूट किया है, आप फॉर एग्जाम्पल आपको $1 मिलियन आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से आया है और आप उसको किसी कॉन्डो खरीद लेते हैं या कोई घर खरीद लेते हैं, तो उसके ट्रेसेस जो हैं, जाहिर है आप पाकिस्तान से वो पैसा मंगवाते हैं या इंडिया से मंगवाते हैं, तो उसके जाहिर है वहां से किसी शेप में आएगा ना, इतनी बड़ी अमाउंट वो एक बंदा तो नहीं ला सकता, तो उसकी कोई ना कोई आपके पास रसीद होंगी, फिर आपके बैंक में वो पैसे होंगे, तो उसकी वो ट्रेसेस जो हैं वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको डिटरमिन कर सकते हैं कि ये पैसा मुझे वहां से आया था और उसकी हो सकता है कोई गिफ्ट डीड भी बनी हो, तो उस सूरत में जो है। इसी तरह इनहेरिटेंस का है, इनहेरिटेंस जाहिर है हमारे वहां पे इनहेरिटेंस के लिए एक, अगर तो वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो वहां पे जाके सारे ही जो जितने भी होते हैं बहन भाई उनको स्टेटमेंट देनी पड़ती है, तो उसका एक रिकॉर्ड होता है। तो कहने का मकसद ये है कि उसका भी आप एक इनहेरिटेंस को भी आप ट्रेस कर सकते हैं कि वो आपका इनहेरिटेंस शेयर बना और वो आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया। अब बस इसमें एहतियात देखें, ये एक मायूब बात तो लगती है हमारे कल्चर के मुताबिक, लेकिन ये यहाँ का, अब कह लें कि हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं तो हमें उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। जब भी आप इस तरह की मंगवाते हैं तो उसको मैट्रिमोनियल होम के अंदर जो है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ना करें। मेरा यही होगा कि अगर कल को खुदा ना करे कि आपस में स्पाउसेस की नहीं बनती और सेपरेशन तक नौबत पहुंच जाती है, तो कम से कम आप जो वो बेनिफिट्स हैं उनको सेव कर सकते हैं, जो गिफ्ट आया था, जो इनहेरिटेंस आई थी, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सही सही नाजी, जो भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, ये एक हम नहीं चाहते, और अल्लाह ना करे आपको, आपके घर वालों को या किसी भी अजीज रिश्तेदार को इन मुश्किल हालात और वाकयात का सामना करना पड़े। लेकिन बहर सूरत इंफॉर्मेशन और नॉलेज इज पावर, और आप लोगों को जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस के हवाले से, घर की मोर्टगेज के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है लामहाला तौर पे, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत सारे लोगों को कभी इंश्योरेंस का इस्तेमाल नहीं करना होता, कभी घर की फ्लड इंश्योरेंस को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, लेकिन जाहिर आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम किया, और हमने जो वो चंद चीदा चीदा चीजें हैं जो जो किसी को भी इस मुश्किल हालात में जाननी चाहिए, हमने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। आखिर में मैं नासिर भाई से ये चाहूंगा कि ये फैमिली लॉ इश्यूज तो बड़े गंभीर हैं, इसमें टेक्निकलिटीज हैं, इसमें कुछ हमारे राव रसम आ जाते हैं, कुछ सोशल मोरल वैल्यूज आ जाती हैं, और कहाँ पे लॉ आ जाता है। तो डेफिनेटली जब हम नॉर्थ अमेरिका में कैनेडियन लॉ के मुताबिक पढ़ते हैं तो एवरीथिंग हैव टू बी सर्टिफाइड और डन बाय लॉ, विच इज द ओनली वे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी खानदान में, किसी कपल में ये ऐसे कोई फैमिली लॉ इश्यूज हो जाएं, तो उसको निगोशिएट करने में ये उसको क्या बेस्ट तरीका है, क्योंकि लॉ तो हमें पता है वो कोर्ट में जाएंगे तो देन स्टार्ट ऑफ देयर। इज देयर एनी अदर वे टू बी डूइंग इट बेटर वे, क्योंकि हमने सुना है मेडिटेशन के बारे में भी सुना है, कोई निगोशिएशन के बारे में भी सुना हुआ है, फैमिली की वो गैदरिंग के हवाले से, मेंटरशिप के हवाले से भी। तो आप क्या कहते हैं नासिर भाई, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद दिस फैमिली लॉ इश्यूज? देखिए, यहाँ का जो फैमिली लॉ का सिस्टम है, जैसे आपने कहा कोर्ट तो है ही लास्ट में, लेकिन मैं शुरू यहीं से करूंगा, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। आप सही अंदाजा नहीं है कि लोगों के फैमिली लॉज में इश्यूज में अगर कोर्ट में जाते हैं तो वो इतने प्रोलॉन्ग हो जाते हैं कई दफा के उनको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर दे हैव टू स्पेंड। तो इसमें सबसे बेस्ट तो यही है कि जब दोनों स्पाउसेस ने डिसाइड कर लिया है कि दे गोना सेपरेट फ्रॉम ईच अदर,
तो इसको, और देखें रिलेशनशिप अगर बच्चे हैं तो रिलेशनशिप तो ये चाहे आप डिवोर्स के बाद एक दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से आपको मोर और लेस रिलेशनशिप रखना पड़ता है, करेक्ट चाहे उनकी डिसीजन मेकिंग के हवाले से और उनकी एक्सेस जो अरेंजमेंट है, अब जाहिर है उसको हम अभी हम पुराने थोड़े से सिस्टम है तो इसलिए उसको एक्सेस बोल रहे हैं, अभी नए में हम जाएंगे तो उसको पेरेंटिंग टाइम बोलेंगे। राइट तो ये उस सिलसिले में आपको जो है वो राह रस्म रखना पड़ता है जब आपकी एक ज्वाइंट कस्टडी वाला मामला आ जाता है। तो इसलिए बेस्ट तो यही है कि आपस में पहले उसको निगोशिएट कर लें। और मैंने देखा है कि बहुत से हमारे पास क्लाइंट्स आए हैं, इवन यहाँ के नॉर्थ अमेरिकन कम्युनिटी के लोग आए हैं, जो आपस में उन्होंने मियाँ बीवी ने डिसाइड कर लिया कि जी ये चीज जो है इसके पास जाएगी, गाड़ी इसको जाएगी, मेरे पास ये जो ट्रेलर है या जो ट्रक है ये मैं रखूंगा, आपस में वो डिसाइड करके आए होते हैं। अब उसके अंदर जो ये सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन इसमें जो मैं और जो मैं समझाऊं अभी तक और जो जरूरी भी चीज है वो ये है कि आप अक्सर लोग कर लेते हैं कि वो एग्रीमेंट खुद ही ऑनलाइन गए टाइप किया और वो $10-15 में सॉफ्टवेयर जो है उसकी बेसिस पे कर लिया, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। उसकी राइट कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आपने लीगल ओपिनियन नहीं ली, उसमें इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस नहीं थी, तो उसकी बेसिस पे उसको स्ट्रक किया जा सकता है कल को कोर्ट में। चैलेंज किया जा तो सकता है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि दूसरा जो स्पाउस है जो कल को उसको कहीं से भी तरवीज मिलती है या कहीं से भी पता चलता है कि उसके राइट्स ज्यादा थे, तो वो कहता है जी कि मेरे पास तो इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस ही नहीं उस टाइम थी। अच्छा, जब हमारे लॉयर्स के पास आते हैं तो अक्सर लॉयर इस चीज को ज्यादा नहीं देखते, क्योंकि वो कहते हैं कि ठीक है क्लाइंट की मर्जी है, वो आया है वो चाहता है कि क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ से लेके जाएंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें बैक एंड फोर्थ निगोसिएशन होती है दूसरी पार्टी से, तो उसमें जाहिर है क्लाइंट की फीस ज्यादा लगती है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन ये होती है। और अगर उसके बगैर कोई भी लॉयर करेगा तो वो उसमें सेक्शन 54 का हवाला जरूर देगा कि जी ये हमारी इसमें कोई नहीं है, हमने पार्टीज को बताया था कि उन्होंने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करना है एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द डिस्क्लोजर विद एग्जिस्टिंग डिस्क्लोजर, लेकिन उसकी बेसिस पे कोर्ट किसी भी टाइम अगर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नहीं हुआ तो कोर्ट जो है उसको किसी भी टाइम स्ट्रक कर सकती है उस एग्रीमेंट को। तो कहने का मकसद ये है कि इसको एक प्रॉपर वे से करना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आप, हाँ हो सकता है कि आपने खुद किया हो और वो कभी भी कोई इश्यू ना बनाओ, वेल एंड गुड, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि बाद में वो फिर दोबारा कोर्ट में, क्योंकि उनको पता चलता है कहीं से कि ये हमारे राइट्स से ज्यादा थे, ये दूसरा बंदा ज्यादा शेयर ले गया, तो वो फिर दोबारा से जो है उसको डिस्प्यूट करते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि निगोसिएशन जो है वो एक प्रॉपर तरीके से हो। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है निगोसिएशन में, जो मोस्टली केसेस में देखा गया है, अगर तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपस में वो कर लें तो वो सबसे बेस्ट है, उस जैसी तो उसमें आपकी पैसे भी बचेंगे, लॉयर्स की फीसिस भी बचेंगी, आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जीज भी आप की सर्व नहीं हो। लेकिन अगर जो सबसे बड़ा मैंने इश्यू देखा है वो कस्टडी के इश्यूज में आके, प्रॉपर्टी तो एक सिंपल सा होता है, उसमें आप लॉयर के पास गए वो आपको बता देगा कि आपका कितना शेयर बनता है, लेकिन जो कस्टडी इश्यूज हैं उसमें मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट बन जाता है लोगों के दरमियान। तो उसके लिए फिर हम देखते हैं कि अगर तो कोई इस तरह का है कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दोनों के दरमियान है तो अगर, और निगोसिएशन काम नहीं कर रही, तो फिर मीडिएशन का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक मीडिएशन से पहले अभी फैमिली लॉ के अंदर यहाँ नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ा अच्छा डेवलप हो रहा है सिस्टम जिसे कोलेबरेटिव फैमिली लॉ कहते हैं। उसमें ये होता है कि वो भी एक सॉर्ट ऑफ मीडिएशन है, लेकिन उसमें जो कोलेबोरेटिव फैमिली लॉयर्स हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं, तो वो पार्टीज इकट्ठी बैठ जाती हैं, मतलब दोनों तरफ से लॉयर्स भी बैठे होते हैं और पार्टीज बैठ जाती हैं और निगोशिएट करती हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ मीडिएशन है। और उसमें मोस्टली देखा गया है कि उसमें वो सूदमंद भी होता है। अगर वो नहीं है तो फिर मीडिएशन एक अच्छा तरीका है जिसमें एक कोई रीजनेबल और जो एक्सपीरियंस मीडिएटर है वो दोनों पार्टीज को बताता है कि क्या आपके साथ कल को कोर्ट में अगर आपको जाना पड़े तो किसके हाथ में क्या आएगा, सही यानी कि सही फेट क्या कल को होगी आपके इश्यू की। तो उस सूरत में वो एक अच्छा और एक कह लें कि इकोनॉमिकल तरीकाकार है। अगर वो भी नहीं होता तो फिर एट द
दी एंड जो है वो कोर्ट ही है, जो कि एक्सपेंसिव भी है, और कोविड के दौरान, और मतलब अभी कोर्ट्स ने काम तो फुल फ्लेज कर रही है, लेकिन वो एक बैकलॉग इतना पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप ये ना सोचिए, आप कोर्ट में आज अगर कोई फाइल अपना करते हैं एप्लीकेशन, तो वो एक साल के अंदर अंदर जो है वो कोई उसकी फेट डिटरमिन होगी। तो इसलिए वो अब एक तो स्लो बहुत हो गया है, और फिर जाहिर है वो एक एक्सपेंसिव भी है। तो मैं तो हमेशा यही मशवरा देता हूँ कि यार अगर आपस में आप लोग वही जिस तरह हमारे सिस्टम होता है, अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने स्टार्ट किया कि हमारे कल्चर में वहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो काफी रिश्ते बच भी जाते हैं और प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाती है। सही। यहाँ वो नहीं है सिस्टम, यहाँ वो मीडिएटर ने रोल ले लिया है या यहाँ पे वो मेंटोरिंग ने ले लिया है, लेकिन वो आपको अल्टीमेटली जो है वो इन्हीं जो बने हुए हैं अदारे इनके थ्रू जाना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपस में आपकी अच्छी है और आप एक अच्छे तरीके से सेपरेट हो सकते हैं, तो उससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। सही। नाजीर, आपने ये अंदाजा लगाया होगा कि डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि निगोसिएशन से स्टार्ट होते हैं, स्पेशली अगर नहीं बात बन रही, नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, यू नो फैमिली रीयूनिफिकेशन में नहीं बात बन रही, तो निगोसिएशन इज द बेस्ट वे जो आपस में हो सकता है, या घर के बड़े या बुजुर्गों से मिल सकता है। और यहाँ पे स्पेशली जब हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, तो हमारे एक्चुअली बड़े बूढ़े तो यहाँ पे होते नहीं है, हमारे पास है नहीं है ऐसा एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, तो फिर हमारे जो जानने वाले जो वो लोग जो हमारे अपने कम्युनिटी में वो लोग जो ऐसा किरदार अदा करें जो दूसरों के काम आए, तो दैट इज द नंबर वन थिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, और फिर उस सूरत में एक भला यू नो काम हो सकता है। उसके बाद जो है वो मेडिटेशन या कोलैबोरेटिव फैमिली लॉ, जो जैसे नासर भाई ने बताया, जो कि एक नई चीज है, दैट वुड बी वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फिर। और अगर मेडिटेशन में जो भी जो कि एक्चुअली ऑल्सो लीगल प्रोसेस है, जिसमें एक बाहर के लोग आके बैठते हैं और दोनों की बात सुनते हैं, एंड देन दे फिगर आउट व्हाट इज द बेस्ट वे टू निगोशिएट एंड एंड कंप्लीट दिस दिस थिंग। और उसके बाद अगर दोनों में नहीं है, तो फिर लामहाला तौर पे कोर्ट प्रोसीडिंग है, जो कि बहुत लॉन्ग है, और कोविड की वजह से ये बैक लॉ की वजह से मजीद लॉन्ग है। तो उस सूरत में हालांकि जाहिर है अगर बात यहां तक पहुंच चुकी है, तो इट्स ऑलरेडी वेरी बैड, एंड अगर आपको दोबारा उसी सिलसिले में उसी में रहना पड़े और इट्स अनरिजॉल्व इश्यू में रहना पड़ेगा, तो ये बहुत लॉन्ग होगा। लेकिन इस सूरत में मैं लाजमी कहता हूँ, अगर आप निगोशिएशन के लिए अपने बड़े बूढ़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको जरूर किसी मुस्तनद लॉयर के साथ राबता रखना चाहिए, ताकि आपकी जो निगोशिएशन है वो आप दोनों के दौरान वो एक इतनी अच्छी हो, ताकि आपको दोबारा वापस ना जाना पड़े। वो ऑनलाइन से आप फॉर्म निकाल के उसको साइन अप कर सकते हैं, लेकिन वो मेजोरिटी वो चैलेंज हो सकता है। जैसे नासर भाई ने कहा कि बड़ी दफा, क्योंकि जाहिर है जब रिश्ता टूट गया, जब वो सिलसिला खत्म हो गया, तो फिर आपको सारी चीजें बुरी लगेंगी, और जब वो बुरी लगेंगी, देन यू ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ आई एम गोइंग टू हर्ट देम, हाउ आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ अ रिवेंज। तो इसलिए इससे बेहतर है हम वो पहले से ही शुरू करें। हमारे साथ असलम सईद साहब, बुशरा अहमद, नुमान शेख, जुनेद मिर्जा, शीमा अहमद, कोमल महरीन, आतिफ उस्मान, हसैन, सारे हमारे साथ ज्वाइन हैं इस वक्त, वो हमें देख रहे हैं। प्लीज आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कर सकते हैं। नासिर भाई, हमारे प्रोग्राम का तो प्रोग्राम है। जी 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 कहिए। अभी अगर आप मुझे इजाजत दें, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अभी एक सवाल आया, तो अगर जी मैं जी, उसको कहिए, छोटा सा ज्यादा मैं, अगर आपके पास टाइम है। जी 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 प्लीज प्लीज। कम्युनिटी की अवेयरनेस, वो मेरे ख्याल उसको मैं टच नहीं कर सका, आपने मेरे ख्याल वो सवाल आया भी नहीं था किसी के, अभी आया स्पाउजल सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि हमने चाइल्ड सपोर्ट को तो कर लिया, लेकिन जो स्पाउजल सपोर्ट है उसको मेरे ख्याल रह गया, तो वो भी कम्युनिटी में से किसी ने पूछा। स्पाउजल सपोर्ट जो है वो उसको आप राइट नहीं कह सकते, जो चाइल्ड सपोर्ट है वो तो स्टेट अवे है, वो तो एक राइट है। अब इसमें डिफरेंट बेसिकली इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसमें तीन तरह के तीन बेसिस पे कह लें उसके उन्होंने ग्राउंड्स बनाए हैं जिसपे स्पाउजल सपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे। पहला तो है कॉन्ट्रेक्चुअल,
कि आपस में कोई इम्प्लाइड या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आपस में स्पॉसेस ने किया कि इन केस ऑफ सेपरेशन जो है वो दूसरे स्पाउस को आप देंगे. दूसरा होता है जो उसको बोलते हैं कंपनसेटरी, जिसमें ड्यू टू रिलेशनशिप कोई इकोनॉमिक डिसएडवांटेज एक स्पाउस को, फॉर एग्जांपल हस्बैंड जो है वो ड्यूरिंग द रिलेशनशिप काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, लेकिन जो मद वाइफ थी उसने बच्चों को भी संभाला, घर को भी संभाला और हर चीज की उसने टेक केयर की, तो ये एक इकोनॉमिक, और वो अपने स्किल्स डेवलप नहीं कर सकी, अपनी जॉब की तरफ तवज्जो नहीं दे सकती, एजुकेशन की तरफ नहीं, तो ये एक इकोनॉमिक डिसएडवांटेज आ सकता है. और तीसरा होता है नीड बेसिस पे, कि मतलब अगर सेपरेशन होती है तो वो बिल्कुल कुछ उसको सपोर्ट चाहिए, अगर उसके पास जॉब नहीं है तो वो कहां से अपने आप को सपोर्ट वाइफ जो करेगी. तो इसमें और फैक्टर्स जो इसके अलावा देखे जाते हैं, ये तो तीन मेन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में हुए, इसके अलावा जो फैक्टर्स देखे जाते हैं वो देखते हैं कि पहला देखा जाता है कि बच्चे किसके साथ रह रहे हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है. दूसरा टर्म ऑफ रिलेशनशिप, ड्यूरेशन कितनी है, और नॉर्मली अगर 10 वो लेट्स से 10 साल की है तो उसका नॉर्मली जो जब उसको डिटरमिन किया जाता है तो वो 5 साल के लिए जो पे करनी होती है, और उसमें फिर एक सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उसके तहत वो जो है गाइडलाइंस हैं, और गाइडलाइंस की मदद से हम डिटरमिन करते हैं कि वो कितनी होगी, और उसमें मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, विद चाइल्ड होगा तो वो कम होगी, अगर विदाउट चाइल्ड है, अगर बच्चे नहीं है तो उस सूरत में वो स्पाउसल सपोर्ट ज्यादा होगी. लेकिन लॉ यही कहता है पहली बात कि ये राइट नहीं है, और दूसरा वो ये कहता है लॉ कि दोनों स्पाउसेस को वो इनकरेज करता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो, और इसीलिए वो कहते हैं कि इसको एक इसकी ड्यूरेशन फिक्स कर दी जाए कि उसके दौरान जो है जो डिसएडवांटेज्ड स्पाउस है वो अपने आप को स्किल्ड डेवलप कर सके. क्योंकि फैमिली लॉ के साथ जो है वो विल बहुत मुंसलिक है, तो आखिर में एक छोटी सी हमें बता दीजिए इन शॉर्ट, विल क्यों जरूरी है, उसमें क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों चाहिए. आई नो उसकी बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन बहर सूरत हमारे बहुत सारे लोग विल के बारे में अभी तक वो इतनी, मैं समझता हूँ, मालूमात नहीं, जानकारी नहीं है, या वो वैसी कमिटमेंट नहीं है कि जी हमने तो कह दिया था, हमने तो कर दिया था. लेकिन बहर सूरत अगर आपकी विल नहीं है तो आपके सारे एसेट वो एस्टेट को चले जाएंगे एंड देन दे विल डिस्ट्रीब्यूट. सो विल का इम्पोर्टेंट होना एज फ्रॉम द लॉयर परस्पेक्टिव, आपने या इस सूरत में हमें बता दें कि विल के ना होने की वजह से किसी को क्या मुश्किलात आ पड़ी, तो हमें ज्यादा पता चल सकेगा आपकी मुशाहदे के मुताबिक. जरूर भाई, हमने बड़ा वो मसला भरपूर प्रोग्राम किया विल के बारे में, आपने अवेयर किया कम्युनिटी को उस लिहाज से, उसमें हमने काफी इस लिहाज से हमने उसको कवर किया था. आज क्योंकि हम फैमिली लॉ के हवाले से देख रहे हैं, तो मैं एक चीज इसमें, ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया कि इसको विल की इम्पोर्टेंस जो है वो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में कैसी है और सेपरेशन में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो इस चीज को मेरे ख्याल हम डील कर लेते हैं. अगर इसके बारे में मजीद सवाल हुए डेफिनेटली कम्युनिटी मुझसे पूछ सकती है, ये फेसबुक के थ्रू भी है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पर भी. जब स्पाउसेस देखें, क्योंकि रिलेशनशिप आपका अच्छा जा रहा है और उसके दौरान आपने विल एक साइन की, एग्जीक्यूट की, जिसके तहत आपने कहा कि, और नॉर्मली यही देखा गया है कि खुदा ना खास्ता अगर एक हस्बैंड की डेथ होती है तो वो यही कहता है कि जितने यो लाइबिलिटीज और जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो एसेट्स हैं वो वाइफ को चले जाएंगे एंड वाइस वर्सा. जब सेपरेशन होती है एक चीज को बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं अपने क्लाइंट्स को यही कहता हूं हमेशा कि इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है कि जब सेपरेशन हुई है तो आपने फौरन वो विल रिवोक करनी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता सेपरेशन के बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो विल अभी तक इंटैक्ट है क्योंकि आपने उसको रिवोक नहीं किया. तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे आप सेपरेशन प्रोसीडिंग्स को कर रहे हैं उस विल को भी जो है रिवोक करें और एक नई विल जो है वो क्रिएट करें, एग्जीक्यूट करें, बहुत जरूरी है. तो
मतलब आज के जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से जी मैं ये एक चीज करना चाह रहा था। बाकी विल की जो इम्पोर्टेंस है वो तो बिल्कुल ही उसको हम नहीं कर सकते डिस्कार्ड, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे हमने वो पिछले अपने प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस किया कि खुदा ना खास्ता, और इस कंट्री में अगर आपके खुदा ना खास्ता अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपके एसेट्स नहीं है, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। करेक्ट या आपने इन दोनों चीजों को देखना है, और अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ये वक्त आए, लेकिन देखा गया है कि कोई, क्योंकि यहाँ का जैसा मौसम भी है और मतलब मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, खुदा ना खास्ता अगर डेथ होती है तो आपने इस चीज को जरूर मद्देनजर रखना है कि आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगी। तो ये अपनी लाइफ के अंदर ही आप डिसीजन कर जाएं तो बेहतर है, अदरवाइज स्टेट उसको टेक ओवर करेगी। जबरदस्त जबरदस्त अनासर भाई, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी सेर हासिल, पूरी डिटेल से हमें फैमिली लॉ के बारे में बताया और इसके अंदर जितनी भी चीजें आ सकती हैं, आपने बड़ा हमें टाइम दिया। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर वैल्यू। नासर इकबाल सर, बैरिस्टर सोलिसिटर विद डैड लॉ इन टोरंटो, लेकिन अभी भी लंदन के साथ भी कनेक्टेड हैं। बिल्कुल आप एनी टाइम, और ये मोहब्बत का रिश्ता जो है ये हमेशा कायम दायम रहेगा। आप देख रहे थे लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद के साथ, और आज का हमारा जो मौजूद था वो था फैमिली लॉ के हवाले से। हमारे साथ थे नासर इकबाल साहब, बैरिस्टर सोलिसिटर फ्रॉम डैड लॉ। उन्होंने पूरी डिटेल में बताया उसके हवाले से, यू नो, फॉरेन डिवोर्स के हवाले से, फिर मैरिड एंड कॉमन लॉ के बारे में, कस्टडी बिटवीन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द स्पाउसेस और चाइल्ड सपोर्ट के हवाले से, प्रॉपर्टी गिफ्ट इनहेरिटेंस, मैट्रिमोनियल होम के बारे में, और ओवरऑल एट द एंड हमने ये डिस्कस किया और उनसे ये पूछा कि हम व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ टू डील विद काइंड ऑफ अ फैमिली लॉ इश्यूज। बड़ी ही सेर हासिल गुफ्तगु और बड़ी ही कंप्लीट नॉलेज फराहम की नासिर भाई ने, एंड वी ट्रूली अप्रिशिएट फॉर देम। देखते रहिए लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद। उसके साथ मैं इजाजत चाहता हूँ, मैं और मेरे गेस्ट इजाजत चाहता हूँ। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ये प्रोग्राम देखना ना भूलेगा, लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद ऑन कैनेडा वन टीवी एवरी मंडे एट 7 PM। अल्लाह हाफिज़।